मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं यहाँ PhD का स्टूडेंट हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हिंदी प्रदेश का। मेरा PhD का विषय है भारतीय नवजागरण की समस्याएं हिंदी प्रदेश में। और मेरा लंबे समय से वामपंथी छात्र आंदोलन से वास्ता रहा है। झुलसाती आग बरसाती गर्मियों के बाद प्यासी धरती को जीवन से सराबोर करता आया सावन। झूलने लगे पेड़ों पर कच्चे जामुनों के गुच्छे, तैरने लगी हवा में भीगी कोपलों की खुशबू, छाने लगी फिजा में मिट्टी की महक सौंधी सौंधी। मौसम की अंगड़ाई के साथ कहीं रुखसत हुए अमलतास तो कहीं लगे गूंजने रोमानी गीत सावन के। आने लगे फिर एक बार जाने पहचाने कलाकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ओपन एयर थिएटर में। फिर शुरू हुआ सिलसिला एडमिशन्स और हॉस्टल्स के लिए भागदौड़ का। हर साल की तरह इस बार भी सन 97 के मानसून सेमेस्टर में एकेडमिक लाइफ की शुरुआत के साथ ही शुरू होती है पॉलिटिकल लाइफ और JNU में ये साथ साथ चलती है। ज्ञान हासिल करने के साथ उसे जीवन की कसौटी पर परखने की चाह यहाँ के कैंपस लाइफ को एक खास पहचान देती है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी को वैचारिक लड़ाई में जीत अभी यहाँ हासिल नहीं हुई है। इसी परंपरा के प्रतीक मानसून सेमेस्टर की ये पोस्टर्स नए छात्र छात्राओं के साथ संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष की परंपराएं सिर्फ रोमांचक और रोमानी नहीं होती, उनके लिए तो देनी पड़ती हैं कुर्बानियां। इसके गवाह हैं अभी तक कैंपस की दीवारों पर चिपके बीती गर्मियों के इक्के दुक्के अवशेष। बीती गर्मियां जब हत्यारी सत्ता से अपने प्यारे साथी चंदू के खून का हिसाब मांगने हजारों हजार छात्र छात्राएं देश भर में सड़कों पर उतर आए थे। जो बन जाते हैं जुबान हाशियों पर जी रहे इंसानों की, उनकी आवाज होती है जुल्म से ज्यादा बुलंद। ऐसी ही आवाजों को खामोश करने के लिए
रचे जाते हैं सैकड़ों षड्यंत्र। चंद्रशेखर और श्याम नारायण दोनों जिंदगी के खिलाफ मौत की इस घेराबंदी को अच्छी तरह से जानते थे। विथानी टोला, हैबसपुर, इकबारी और न जाने कितनी मौत की घृणित चालों को वो पहचानते थे। जिंदगी और मौत के दरमियान इस जंग में फिर भी उन्होंने चुना जिंदगी को। Our coming generations will ask for an answer. They'll ask us, where were you when new social forces were being unleashed? Where were you when people who live and die every moment, every day, cried for your rights? Where were you when there was assertion of the marginal voices of the society? They'll seek an answer from all of us. 31 मार्च की शाम जब चंद्रशेखर की हत्या की खबर जेएनयू पहुंची तो आक्रोश से भरा सारा कैंपस तथा कथित सामाजिक न्याय के सरगना और बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव से जवाब मांगने बिहार निवास आ पहुंचा। The gun, but he plucked the he's the Lalu Yadav ka saali hai. He fired. ये फैक्ट है। पुलिस ने उनको मैंने सीधा लगा रहा था, अगर उठा नहीं देता तो किसी का एग्जैक्टली और एक क्लास गिर जाता। यस जस्ट इमेजिन सर, दे वर हैव ही प्लॉटेड फ्रॉम द पुलिस एंड ही गन्ड जस्ट इमेजिन। कंसीड करके खुद गोली चलाने स्टार्ट किया और फायरिंग। शाम को खबर मिली हम लोगों को कि 4 बजे चंद्रशेखर प्रसाद ऐसा के जो यहाँ से 2 टाइम जेएनयू से प्रेसिडेंट थे वो सिवान में मारे गए, पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किए गए। तो उसके बाद जेएनयू में तो हलचल मची गई। रात में वहाँ से 9:30 बजे निकले 6 बसेस में बैठ के और यहाँ पहुँचे और 6 बसेस में बैठ के यहाँ पर पहुँचे और बिहार निवास में हम घुसे। वहाँ पर अंदर गए और हम लोगों ने वही नारा वारा लगाया कि लालू बाहर आओ, इस्तीफा का मांग कर रहे थे हम कि चीफ मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि बिहार में वैसे भी ML के इतने कॉमरेड्स मास मसाकर्स होते जा रहे हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कम्प्लीटली अनार्किक हो रहा है, रणवीर सेना रूल कर रहा है और ये गुंडे शहाबुद्दीन के गुंडे रूल कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। JD के लोग अगर इस तरह की हत्याएँ कर सकते हैं और हमारे कॉमरेड को मार सकते हैं तो आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और रिजाइन कीजिए, इसी नारे को लेकर हम लोग यहाँ आए। यहाँ जब हम सामने
डेमोन्स्ट्रेट करने लगे। स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली गुस्से में थे। जो पर्सनल दुख है, जो पर्सनल गुस्सा है, वो तो है ही है। यहाँ जितने लोग आए हैं सब पॉलिटिकल कलर्स के लोग सब पहुंचे हुए थे और सबको उतना ही क्रोध था। तो उस क्रोध को प्रकट किया जा रहा था वहां। तो अंदर से यही हुआ कि हम देख सकते थे कि सब नेता लोग पूरा पगड़ी वगड़ी बांध के सब आए हुए हैं और नीचे बिहार पुलिस स्टेशन पे, और पुलिस हम पे बंदूक इधर इधर पॉइंट करते हुए रखी हुई थी, यहाँ एम्ड था। और ऊपर से जितने नेता लोग थे सब पत्थर मार रहे थे उठा उठा के और उकसा रहे थे पुलिस को कि आप गोली चलाइए। और हाथ में इतने बड़े बड़े डंडे, मुझे पता भी नहीं था कि बिहार निवास के अंदर ये डंडे लोग रखते हो, लोहे के ऐसे जो पुलिस से बंदूक छीन गई और पुलिस से बंदूक भी छीना गया एक उसको, और उनमें से अनेक को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, इतने क्लोज रेंज पे देखा। और फाइनली जब फायरिंग हुई और फायरिंग वो भी नॉट फायरिंग इन द एयर, द फायरिंग वॉज डायरेक्टेड लाइक दिस, सीने के लेवल फायरिंग हो रहा था। तो उसमें ऑब्वियसली लोग कार्स के पीछे छिप रहे थे और जो गाड़ियां वहां पे पार्क थे उसके पीछे छिप रहे थे, मैं खुद वहां पे छिप रही थी। और उसमें से एक लीडर है जिनका चेहरा तो मैं पहचान सकती हूँ लेकिन नाम मैं नहीं जानती हूँ, वो आए और सरिया हाथ में था, इतने पास तक आ गए थे, पत्थर उठा उठा के मार रहे थे और ये इस कोशिश में थे कि वो उसको लेके हम लोग बैठे हुए थे इस तरफ छिपे हुए थे गाड़ी के पीछे, वो आके हमको वहां मारे। फिर फाइनली हम लोग चढ़ के दीवार लांग के यहाँ पहुंचे और उसमें हमारे 10 साथी कम से कम बहुत घायल हैं और उसमें एक टीचर भी हैं, दे हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। चंद्रशेखर ने जिस ख्वाब, जिस सपने को, जिस आइडियल्स को, जिस ड्रीम्स को लेकर अपना शहादत दिया है, उस शहादत को, उस ख्वाब को आगे लेकर हम बढ़े, यही सही माने में चंद्रशेखर के लिए बहुत निखिल कुमार ही नहीं बल्कि होम मिनिस्टर को जवाब देना होगा। और होम मिनिस्टर यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इसी वक्त छात्रों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर बिहार मिलिट्री पुलिस और गुंडों के हमले के बाद अफसोस जताने आए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री निखिल कुमार। उनसे बात हुई और घंटे भर की बात में मैंने उनसे एक आत्मीयता का रिश्ता बनाया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो वाकई बहुत होनहार आदमी थे और अपने धुन के पक्के थे, जो भी उन्होंने कहा उसको हमने मान लिया था। तो उनकी हत्या हम लोग सबके लिए बहुत ही अफसोसजनक है और मैं सच्चे दिल से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ आप लोगों से भी, जरूर करेंगे आप लोग भी, लेकिन जब मैं बोल चुकूंगा तो आपसे अपील करूंगा कि एक मिनट खड़े होकर के उनके लिए मौन धारण जरूर कीजिएगा। लेकिन सवालों की बौछार से बचने के लिए श्री निखिल कुमार ने खुद ही मौन धारण कर लिया। किसी की जान बोल रहे हैं, मैं नहीं, सारे लोग यही बोल रहे हैं, निखिल कुमार जी सब लोग यही बोल रहे हैं कि रक्षा करो। बोल रहे हैं कि जो है हमने जो है, कैसे बोल रहे हैं इस बात को यार, उन लोगों ने फायरिंग किया था, इतने फायरिंग किया था, जल्द कराइए और यहां से जाइए, फिर हम सब कार्रवाई करेंगे। तो आपके सामने भी इतना सब कुछ बोल रहे हैं, इमीडिएट से भाई हम लोग यही रहेंगे, आप लोग यही हैं। अरे बाहर कहां जा रहे हैं, निखिल कुमार हैं, आगे फसल ले रहा है क्या। सारी रात छात्रों का घेराव चलता रहा और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रात भर बिहार निवास में दुब के रहे। आरोप है कि पहले हिंसा की शुरुआत आप लोगों ने की। देखिए, हिंसा की शुरुआत तब हुई जब चंद्रशेखर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया इन्हीं के लोगों द्वारा, है ना, हिंसा की शुरुआत वहां। सिवान, राजनीति के अपराधीकरण का एक और नाम। खतरा तो है इसलिए कि मतलब अभी आप देख ही रहे हैं कि पहले मतलब हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट लीडरों की हत्या हुई, चंद्रशेखर जी की, श्यामानंद यादव की, सुरेंद्र यादव की, केदार शाह की, है कि सब संसद साहबुद्दीन ही करा। इस लिहाज से जो फ्री जो गतिविधि थी अभी हम लोग बंद किए हुए हैं, थोड़ा सतर्क रह रहे हैं, खतरा तो है।
देखिए चंद्रशेखर जी और चंद्रायन यादव की जो हत्या हुई, इस हत्या के पीछे सिवान के जो जनता दल के जो सांसद हैं शहाबुद्दीन, उन्हीं का हाथ है। इस हत्या के सूत्राधार उन्हीं हैं और उन्हीं के गैंग के जरिए हत्या की गई है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि जिस समय हत्या हुई 31 मार्च को संध्या 4 बजे, वहां पर हमारे पहले से बड़हरिया प्रखंड कमेटी के सचिव ध्रुवरासन पटेल और जिला कमेटी के सदस्य कामरे रामदेव राम मौजूद थे। उन लोगों ने हत्यारों को पहचाना, जो सारे के सारे लोग पहले से ही सांसद शहाबुद्दीन के साथ रहते हैं, और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह हत्या जो है सांसद शहाबुद्दीन के लोगों ने ही की है। वजह क्या हो सकती है हत्या? वजह देखिए मूल राजनीतिक मामला है। हमारी पार्टी CPIML शिवान में को भरती हुई ताकत है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की ओर से एक सशक्त चुनौती दी गई थी शहाबुद्दीन को। हमने चुनाव में एक एजेंडा बनाया था कि अपराध के खिलाफ जनमत संग्रह होने जा रहा है, और वो अपराध के मतलब कहा जाए तो एक शिरोमणि हैं सांसद शहाबुद्दीन। तो यही वो मूल सवाल है। जब से हमने अपराध को एजेंडा बनाया अपने मूवमेंट का, तभी से सांसद शहाबुद्दीन का हमला हमारे ऊपर होना शुरू हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर हत्या की गई। तो मूल कारण राजनीतिक है, और कोई जमीन का, कोई मजदूरी का, इस तरह का कोई झगड़ा नहीं है। तो बिल्कुल अलग किस्म की लड़ाई है ये जो यहाँ सिवान में हो रही है शहाबुद्दीन के साथ। सिर्फ उसके साथ हो रही है कि और भी जनता दल के सांसद हैं, और भी जनता दल के लोग हैं, और भी पॉलिटिकल राजनीतिक और लोग हैं जिनके साथ ऐसी लड़ाई हो रही है? देखिए और जगह की स्थिति थोड़ा दूसरे तरह की है। एक तो शहाबुद्दीन खुद ही क्रिमिनल है, इस लिहाज से थोड़ा टकराव ज्यादा है यहाँ पर इनके साथ, है कि नहीं? क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि जो है कहीं से राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो शुरू से ही मैंने राजनीति में आए उसके पहले से ही पेशेवर एक अपराधी रहे हैं। तो हम जब अपराध के खिलाफ यहाँ बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ वो टकराएंगे, इसीलिए केंद्रित रूप से इनके साथ यहाँ पर टकराव हमारा शुरू हो गया। क्योंकि समय था सिवान जिले में यहाँ का कोई बुद्धिजीवी सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ नहीं बोलता था, यहाँ के पत्रकार कलम उठाना नहीं चाहते थे, सिवान के व्यवसायी विरोध तक नहीं कर पा रहे थे, सरेआम दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही थी। तो सबसे पहले हम ही लोगों ने पहलकदमी लिया और अपराध को एजेंडा बनाया और सांसद शहाबुद्दीन के खिलाफ हम लोग बोलना शुरू। पिछले साल भी इलेक्शन के दौरान कुछ 5 लोगों की हत्या की थी। हाँ जी, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, तो चुनाव के दरमियान जब हमारे समर्थक छतपोखरिया बूथ पर अपना मतदान कर रहे थे, उस मतदान के दौरान उन लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दी, उन्हें वोट देने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर एक छजमा बलिया जो आंदर प्रखंड का गाँव है, वहाँ भी हमारे एक समर्थक को गोली मारकर शहाबुद्दीन ने हत्या कर दी। ये 2 जगह उन लोगों ने जोरदार हमला किया और हमारे 5 समर्थकों की उन्होंने हत्या की। एक दरौली प्रखंड का डड़ैली मठिया गांव है, वहां भी हत्या कर दी गई एक हमारे समर्थक की, फिर उनके घर में आग लगा दी गई, खलिहान को जला दिया गया। हम मैंने ही बता सकते कि हम मैंने उस दिन वोट के दिन मैंने हम अपना मत गिराने जा रहे थे बगल में, है कि ना? तब तक मैंने धाएं धाएं गोली की आवाज़ हमने सुना, बस लौट कर फिर हमने वापस आया तो देखा कि मैंने बहुत सारा काफिला में लोग धनाधन इधर गोली चला रहे हैं, और 3 आदमी देखें कि एक आदमी उधर मैंने एक आदमी को मार दिया गया था, और एक आदमी क्या बोलते हैं घर पर खिड़की से एक आदमी झांक रहा था उसको गोली से मार दिया गया था, और एक लाश यहाँ पड़ा हुआ था जो साधु हैं उनको मार दिया गया था, और सारे के सारे सब पुखरिया के लोग मनीष गाँव के लोग अपने अपने घर में लोग सीमित एकदम दीवाणी को बंद करके मैंने सबके सब लोग लुकाए हुए थे। जब मैंने गोली ले चल के मैंने लोग चला कर मैंने हटे तो आए तो मैंने पूछे देखे जाने तो लोग कहे कि भाई गोली सांसद शहाबुद्दीन ने चलाया है कि ना, उनकी गुंडे ने गोली चलाया है और वही मैंने 3 लोगों को मारकर हत्या किया है। यही एक चर्चा था, यही मैंने एक बात था। यहाँ पे लोग उसके खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं? मौत के डर से। क्यों, उसने धमकाया है किसी को? बहुत सारे लोगों को, अब देखिए जो लोग गवाही दिए थे इस गांव के लोग, जो लोग मौजूद थे इस घटना स्थल में, वो खुद ही लोग यहाँ से भागे हुए हैं डर से, मौत के डर से कि हमारी जान न चली जाए। वो हमारा लड़का, मैंने गवाही दिया है गोली चलाने के बाद में, वो गवाही दिया है ये
के शहाबुद्दीन गोली चलाया और लोग गोली चलाया, इसी में गवाही दे दिया है। उसके मारने के लिए खोजता है, जहाँ मिलेगा वहीं उसको मार दिया जाएगा। तो कब से गायब है आपका लड़का? कब से हमारा लड़का कहाँ भाग गया हमको पता नहीं है, ये कहाँ भाग। तो वो क्या बहुत ही बड़ा गुंडा है कोई? तो बड़ा गुंडा है तभी ना कोई वो नहीं बोल रहा है। अरे सबको तो जान प्यारी है, कौन बोलेगा भाई, कौन बोलेगा? यहाँ तक हमारे जैसे लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात है। कातिल हुक्मरानों के खौफ से दम साधे सिवान के लोगों की मुक्ति का बीड़ा उन्हीं के एक वीर सपूत ने उठाया। कि हम अगर कहीं जाएंगे तो हमारे कंधे पर उन दबी हुई आवाजों की शक्ति होगी जिसको डिफेंड करने की बात हम सड़कों पर करते हैं। और इसीलिए अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी तो भगत सिंह जैसे शहीद होने की महत्वाकांक्षा होगी, ना कि जेएनयू से इलेक्शन में गार्ड छोड़ करके जीतने या हारने की महत्वाकांक्षा होगी। एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट क्रांतिकारी की तरह चंदू ने जेएनयू में कहे शब्दों को अपनी कर्म भूमि सिवान में सार्थक कर दिखाया। 31 मार्च शाम 4 बजे इसी जेपी चौक पर जन समारोह और घोटालों के खिलाफ 2 अप्रैल के बिहार बंद के लिए एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे चंद्रशेखर और श्याम नारायण को गोलियों से भून दिया गया। गोलीबारी में एक ठेले वाला भुटेली मियां भी मारा गया। अप्रैल को सिवान मार्च के दिन जब सिवान पहुंच के जब हम लोगों ने स्टेशन से उतर के चलना शुरू किया तो सिवान एक अपेक्षाकृत छोटी जगह है और वहाँ की कस्बाई संस्कृति है। वहाँ पे उतर के जब हमने चलना शुरू किया तो देखा कि एक बहुत ही अनजान सा खौफ और आतंक चारों ओर माहौल में व्याप्त था। लोग खिड़कियों से निकल निकल के हमें देख रहे थे, गलियों के बाहर आके हमें देख रहे थे, लेकिन हम 20 लड़के लड़कियां जो उतर के स्टेशन से चलना शुरू किए तो 2 आए हुए लोगों को छोड़ के 22 के सिवा 23वां व्यक्ति उसमें नहीं था, उस टीम में। हम लोग नारे लगाते हुए चल रहे थे और चारों ओर लोग इस तरह से हमें देख रहे थे जैसे हम लोग पता नहीं कहां से उतर के आ रहे हैं। उधर चंद्रशेखर के गांव बिंदुसार में विरोध के स्वरों को तीखा करने स्थानीय लोगों के साथ आ मिले देश भर से हजारों छात्र छात्राएं और नौजवान। मेरा बेटा मरते भी अमर है और सदा अमर रहेगा इतिहास के फना में मेरा लाल के नाम रहेगा देश विदेशों में। बेटा मैं वो माँ हूँ, देवी माँ हूँ, वो माँ नहीं ना ये झोपड़ी मत आप लोग देखिए, इस झोपड़ी की बहुत कीमत है। चंद्रशेखर की माँ कौशल्या देवी की गर्जना से शुरू हुआ सिवान मार्च। सबसे पहले उन लोगों ने हमें घेर लिया और चाहा कि हम सबसे आगे रहें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग इतना तेजी से चल रहे थे कि मतलब वो लोग लगभग दौड़ रहे थे और उसमें तरह एक तरह से वो जैसे समुद्र का ज्वार था जो बहता चला जा रहा था और उसमें हम लोग उनके साथ कदम मिला नहीं पा रहे थे, हम लोग बार बार पिछड़ रहे थे। वही जेपी चौक जो कल तक कातिलों की गोलियों से सहमा पड़ा था आज नौजवानों की ललकार से गूंज उठा। हजारों नौजवानों के आक्रोश से दहकता ऐसा जुलूस सिवान की गलियों से शायद ही पहले कभी गुजरा हो। जेपी चौक के ठीक सामने स्थित बीएमएचई मिडिल स्कूल के प्रांगण में संकल्प सभा शुरू हुई तो सारा शहर ही उसमें हिस्सा लेने उमड़ आया। हजारों लोग स्कूल की छतों दीवारों बाहर सड़कों पर जहां तक भी आवाज जा रही थी दम साध कर खड़े थे।
लाल झंडा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते जाएंगे। और मेरा ये लाल सही नहीं बड़ा नहीं है, ये मेरे लाखों के थे। शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर की मां के इस विश्वास ने देश भर में नौजवानों को प्रेरणा दी। दिल्ली में स्थित बिहार निवास पर लाठियों और गोलियों की रात सहकर वो अगली सुबह 1 अप्रैल को फिर सड़कों पर न्याय के लिए उतर पड़े। छात्रों के साथ अध्यापक और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी और जनवाद पसंद लोग इसमें शामिल हुए। नहीं चलेगी। लोगों ने मांग की कि चंद्रशेखर के हत्यारों को तुरंत सजा दी जाए और बिहार निवास पर छात्रों पर गोली चलाने वाले लालू यादव के साले साधु यादव को गिरफ्तार किया जाए। शाहबुद्दीन को फांसी दो, लालू यादव को फांसी दो, हत्यारे लालू को फांसी दो, और आखिर आ पहुंचा 2 अप्रैल का ये दिन, बिहार बंद का दिन, घोटालों और नरसंहारों से फलती फूलती सामाजिक लूट पर टिकी लालू यादव के सामाजिक न्याय की सरकार के विरोध में CPIML का बिहार बंद। इसी बंद के आह्वान को जनता तक ले जाते हुए शहीद हुए कॉमरेड चंद्रशेखर प्रसाद और कॉमरेड श्याम नारायण यादव। उनकी शहादत ने बंद को एक आक्रामक रूप दे दिया और उसके साथ जुड़ गया राजनीति के अपराधीकरण का राष्ट्रीय मुद्दा। सीवान आज लगातार 3rd दिन बंद रहा। मिलिए अपनी गौरवमयी संसद के महान कर्णधारों से आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर। सीवान के सांसद शहाबुद्दीन, हत्या के इल्जामों की एक लंबी चार्जशीट इनके नाम की शोभा हमेशा बढ़ाती रही है। श्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को संसद में जो विश्वास मत प्राप्त हुआ उसमें एक बहुमूल्य वोट इनका भी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इनकी, जीरा देई जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, उसी जीरा देई से 1990 में MLA बनकर शहाबुद्दीन ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। यहाँ के जो जनता दल के सांसद हैं शहाबुद्दीन, उसके खिलाफ कोई केसेस है पुलिस में दर्ज किए हैं केसेस? हाँ, उनके अगेंस्ट में तो करीब 25-26 केसेस अभी चल रहे हैं। किस टाइप के केसेस हैं? वो कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ मर्डर केसेस भी हैं, कुछ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी हैं, सब तरह के केसेस। अच्छा, और ये इस वक्त कहाँ पे है? अभी तो सीवान जेल में है। जैसे जैसे देश में राजनीति का स्वरूप बदला वैसे वैसे जेल शब्द की प्रतिष्ठा में भी सुधार हुआ। गनशॉट्स एंड साइलेंस, दिल्ली से गई फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी इस रिपोर्ट में सीवान जेल के अंदर भी सांसद शहाबुद्दीन की जो हैसियत है उसका लेखा जोखा बयान किया है। He is still inside the jail. The jailer sits, the police people sit, and all his cronies gather around him for him to plan the daily actions including political activities and crime and violence. जहां एक तरफ जेल भी इन नेता बनाम अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाती, वहीं न्याय की पुकार करने वालों से निपटने का सारा इंतजाम वक्त से पहले ही कर लिया जाता है। चंद्रशेखर की हत्या की राष्ट्रव्यापी भर्त्सना और विरोध के 3 दिन बाद तक भी, जब कम्युनिस्टों की भागीदारी वाली संयुक्त मोर्चा सरकार टस से मस होती नजर नहीं आई, तो JNU के छात्र छात्राओं ने अकबर रोड पर स्थित संयुक्त मोर्चा के मुख्यालय पर हल्ला बोल दिया। Yes, 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 yes
पुलिस के घेरे को तोड़ते, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते इन अनुशासित प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री निवास के इतने करीब विरोध सभा करना एक मील का पत्थर माना जाएगा। आज तक अकबर रोड के इस हिस्से में कभी प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। लगभग 3 घंटों तक वीआईपी ट्रैफिक वाली अकबर रोड को छात्रों ने जाम कर दिया। आप रोड को नहीं ब्लॉक करेंगे, आराम से जो भी है मैं जानता हूँ। जनता दल के नेता जयपाल रेड्डी के माध्यम से छात्रों ने संयुक्त मोर्चा सरकार को चेतावनी दी कि 12 घंटे के अंदर अंदर चंद्रशेखर और श्याम नारायण के कातिलों को पकड़ा जाए, जनता दल के सीवान सांसद शहाबुद्दीन को पार्टी से निष्कासित किया जाए और 31 मार्च की रात को बिहार निवास पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने वाले साधु यादव के खिलाफ समयबद्ध सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। इंसाफ के इंतजार में गुजर गए और 12 घंटे। अगले दिन 4 अप्रैल को लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने दिल्ली गेट से आईटीओ तक ह्यूमन चेन बनाकर दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे को जाम कर दिया। आधे घंटे तक जम के पर्चे बांटे गए और दिल्ली की जनता से इस प्रदर्शन और छात्र आंदोलन के लिए समर्थन की अपील की गई। आधे घंटे बाद चौराहा खाली कर दिया गया। जनता को परेशान करने का उनका कोई इरादा न था, पर उतना ही काफी था गूंगी बहरी मोर्चा सरकार को आने वाले दिनों में आंदोलनकारियों के दृढ़ इरादे समझाने के लिए। संघर्ष के पल पल में बसी हैं सैकड़ों छोटी बड़ी यादें जो बिना दस्तक दिए दबे पांव चेतन मन में चली आती हैं। Many of us who joined the movement probably didn't know Chandrasekhar personally and some students had never even seen him on campus because they had just joined this year. But I guess what struck them and why they joined the movement, one of the reasons is probably that we all keep cribbing about things not getting done and this not getting done. But the movement did provide some kind of a venue for people to just go and protest and come out and come to strike the streets, to strike the roads. In fact, a lot of people who had never probably been involved in that kind of thing before. चंदू का जन्म 20 सितंबर सन 1964 में हुआ। पिता जीवन सिंह और माँ कौशल्या देवी की वो इकलौती संतान थे। When I joined the movement, it was like, you know, the news of his murder just hit us all, and it was so unbelievable and such a big shock that initially it was as if it's impossible. Later on, when we all started getting together and talking about it, and we came out on the streets and went to Bihar Bhavan and all those things started happening, then I became more involved in the movement, and you know, I learned something from Chandrasekhar, and it was like, you know, you take off from a point. It was like that. It was not like you sitting there and just remembering Chandrasekhar. That won't be of any use unless until you do something, you know, or further the cause, whatever he was fighting for. अबोध बचपन के सुख से भरे दिन ज्यादा देर तक ना चल सके। चंदू जब 8 बरस के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। The one thing which I liked about Chandrasekhar was his commitment to the cause. And it was his commitment to the cause because that is for which he laid down his life. And I was personally very disturbed when I got the news of his death. And I went along with others to protest at Bihar Niwas and other places. And during those protest movement, I also felt that Chandrasekhar is missing somewhere. Chandrasekhar is missing from the place where we have come to protest his death.
होनहार चंदू ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से प्राप्त की। इम्तिहान पास कर वो एनडीए में प्रशिक्षण के लिए चुने गए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और 2 साल बाद वो एनडीए छोड़कर घर वापस आ गए। वामपंथी राजनीति के साथ उनके रोमांस की शुरुआत भी यहीं से हुई, जहाँ से वो AISF के राज्य उपाध्यक्ष के पद तक पहुँचे। चंद्रशेखर को मैं उस दिन से जानती थी जब मैं कैंपस में आई थी, या उसके पहले भी बनारस में जब वो छात्र संघ चुनाव के सिलसिले में आया करते थे, तब मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई थी। बहुत ही कूल और बिल्कुल दूसरी तरह के, वाद विवादों में भी कभी उन्हें उत्तेजित होते नहीं देखा था। और उसके बाद आने के कुछ ही दिनों बाद ये आंदोलन शुरू हुआ। आज तक हमने हर आंदोलन उनके नेतृत्व में किया था और ये उन्हीं को लेकर था। कुछ अजीब सा लगता था बिना उनके और सब कुछ। जेएनयू तक आते आते उनका तीव्र वामपंथी रुझान उन्हें CPIML लिबरेशन की राजनीति के करीब ले गया। एक ऐसे समय में जबकि विश्व भर में मार्क्सवाद के स्थायी स्तंभ उखड़ रहे थे और दक्षिणपंथी व सांप्रदायिक ताकतें राजनीतिक क्षितिज पर छा रही थी, चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ISAG में सक्रिय होकर छात्रों के बीच क्रांतिकारी मार्क्सवाद की धारा को सुदृढ़ किया और लोकप्रिय बनाया। At this juncture of our history, the content of history has moved far ahead, and it is crying for new language, new voice. And therefore, one feels that at this juncture of Indian history, two visions of nation building are contending with each other. One, that of a fascist, autocratic, totalitarian India. Another of a democratic, secular and egalitarian India. ISA stands for the latter. ISA stands for a democratic India. 1993-94 में वो पहली बार छात्र संघ के उपाध्यक्ष बने और फिर लगातार 2 साल तक अध्यक्ष चुने गए। लेकिन चुनावी हार जीत के द्वंद्व से ऊपर थे कुछ मानवीय दर्द, जैसे गोरख पांडे की याद, जिसकी टीस को वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में खुलकर बयां किया करते थे। मस्ट हैव रेड दैट स्टोरी। इन दैट स्टोरी देयर इज अ बॉय हु कम्स टू जेएनयू फ्रॉम अ विलेज एंड इज ओवरटेकन बाय दिस कैंपस। Overtaken by so many things of this campus, and finally he is overtaken by love. And according to that story, the end comes when he hangs himself. Chandrasekhar proved that politics is not only an instrument for grabbing power and for pursuing narrow selfish ends. He made it an instrument to serve the masses. He made it an instrument to bring about social change, and yet he remained as simple as ever. He chose to, quit JNU, go and work there amongst the masses. And whenever he used to come back here, he never used to describe in details that I did this, I did that, or I've been working persistently with the masses. We used to ask him, Chandrasekhar ji, aap kya kar rahe hain, kab aayenge, aap what you have been doing. He just used to say, "Bas kuch field work pe gaya hu," and the, later on we came to realize that the role he was playing there in influencing the course of politics there. I think so. I've become more with this, you know, that will in me to do something, and this. ये जैसे कहते हैं विश्वास मेरे अंदर के अगर यू नो मैं पहले ये था कि इट डजंट मैटर आई एम द ओनली वन आई विल बी द ओनली वन सो दैट इज नॉट द केस आई यू नो आई कैन फील दैट इवन इफ आई एम द ओनली वन यू नो फॉर माय लाइफ टाइम व्हाट आई वांट टू डू एंड हाउ आई वांट टू लिव इट दैट हैज अंडरगॉन अ चेंज अ ड्रास्टिक चेंज एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग दैट यू नो
that maybe I can also do something. JNU की uniqueness इसी चीज में रही है कि यहाँ पर academics और activism की integration की एक कोशिश की. And another thing is that we are so used to accepting the absurd as the normal, you know. Okay, what could be more absurd than a man who's just going and who's talking to people and getting killed in the middle of the road? And probably things like that keep happening all the time in Bihar and in other parts of the country, and we don't even come to know about it. But I think, and probably this was one instance, because we knew of someone who was so closely associated with us and with our institution or whatever, that we decided to go and join the movement. चंद्रशेखर जिन्होंने हमें हमेशा ही हर गलत बात के विरुद्ध लड़ना सिखाया था और हर ऐसे मुद्दे के खिलाफ हमें नेतृत्व प्रदान की थी, चाहे ये निजीकरण का मामला हो या कुछ कैंपस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात. वाइस चांसलर पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. वी हाइट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. ब्लॉक ग्रांट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. वी हाइट के प्रपोजल्स को जला दो, मिटा दो, जला दो, मिटा दो. ब्लॉक ग्रांट स्कीम को जला दो, मिटा दो, जला दो, मिटा दो. द अदर रीजन व्हाई आई सो स्ट्रांगली फील अबाउट चंद्रशेखर इज दैट ही वाज सच अ मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी. ही वाज a visionary, a revolutionary, activist, a charismatic person. He was a leader, I mean, all rolled in one. And there was actually no contradiction between what he preached and what he practiced. And in this sense, I really regard him as a true communist. अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा ही है, इसी देश में यहाँ के विश्वविद्यालयों से बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले, छात्र छात्राएं निकले. निकलना भी चाहिए, क्योंकि इस माने में तो हम प्रिविलेज्ड हैं. जेएनयू जैसी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में हम आते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, नए तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं, देश दुनिया के बारे में जानते हैं, अपनी स्थितियों के बारे में ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते हैं. तो इस नॉलेज को डिसिमिनेट भी तो करने का कर्तव्य बनता है हमारा. समाज से हमने लिया है उस समाज को देना पड़ेगा. Many more things have become really important for me after that. I've started thinking differently. I've started thinking about different things. और आज जब उनके बिना और उनकी उनके लिए ये जो लड़ाई शुरू हुई है, उनके बिना सचमुच बहुत मुश्किल लग रहा है कहीं भी पहुंच पाना. हर कदम पे इस आंदोलन में और कैंपस में भी, लाइब्रेरी में या सेंटर में कहीं भी आते जाते, हमेशा उनकी कमी तो खलती ही है. एक अच्छे दोस्त, एक नेता और एक अच्छे इंसान की. And I know there might be lots of shortcomings in the movement about not protesting all the time and things like that. But I know how much I learned from the movement. And even now when we sit down and talk about it, there are so many little things that I remember. Like when we'd gone for the ITO movement, ITO demonstration, there was this old man, very old man, and he was wearing a khadi kurta and an old dhoti, that very dirty dhoti. And he just came and he held my hand and he was telling me, what are you protesting about? So I told him all that and he was saying, तुम लोग तो अभी तुम लोगों से ही आशा है, हम लोग तो बूढ़े हो गए, हमने देश को क्या कर दिया, अभी तुम जाओ. And all my friends who were standing there, they said they had goose pimples at that moment, because it was such a moment, I mean, to be appreciated for this kind of thing and for someone to have so much faith in us and hope in us. And secondly, on the day of the lathi charge, I was in tears, because it was just a moment showing how disciplined we were when we actually had people hitting us with our lathi, hitting us with lathis and things like that, and not one single person picked up a stone to at the police, and there was no violence against the police. Desh bhar ke chhatron, buddhijeeviyon aur media mein badhte rosh ko dekh, tatkalin pradhanmantri Shri Devegowda ne waqt ki nazakat ko samjha aur JNU ke chhatron ko baatcheet ke liye aamantrit kiya. 5 अप्रैल को सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री से मिलने उनके निवास 7 रेस कोर्स पर आ पहुंचे.
हमने कहा कि यहाँ वुमेन पुलिस है, फिर भी आप क्यों मार रहे हैं? मेन पुलिस लड़कियों के ऊपर लाठी चलाया है। I've been hit here. Hit by what? Lathi. Lathi? Yeah. By who? By the police, of course. And I mean, you're not sure whether it's broken or is it paining? Yeah, it's paining, but I don't know whether it's broken or not. And what about the other girls? Were there also? Yeah, lots of other girls are also injured. Were the lady police here? No, I was hit by a male police. Girls were saying, please don't beat us, we are going away. In spite of that, they actually caught hold of them and beat them up. And the DCP, when we were talking to him, he actually said, aap log dhang se jo hai protest nahi kar rahe hain. After 4 days, in fact, the president just told you, after 4 days of protesting peacefully, this is not the sort of statement one. He said that he's from IITT and he's an IPS officer. We don't require such a statement. They're all unarmed. Yeah. We did a peaceful protest for 4 days and now they say hum log dhang se protest nahi kar rahe, and the girls were beaten up very badly. This is not correct. We had lady officers who have done it. No male officer has beaten any female student there. But then there are all the allegations. They can make any allegation. We want to march peacefully, so please remove the barricades. We promise not to do anything, as we demonstrated yesterday also. They said give us 10 minutes. We waited for 10 minutes. They said give us 15 minutes. We again waited for 15 minutes, after which there was no response and we decided to storm the barricades. We were trying to push the barricades. When we hadn't even moved the barricades an inch, they started the water cannons with huge force. They dispersed the students, after which the students started running. As soon as the students started running, they started hitting them brutally with sticks. I know personally, in such a short minute, more than 15 people, some have fractured their arms, some have fractured their legs. One person, Rehman, is unconscious. Rajiv Ranjan, this man, whose head was burst, blood was pouring all over his face. There are people with fractured legs. Women were, they were asked to stop and they were hit. They were beaten up, they were abused, vulgar language was used against them, and they were literally caught by men police, not by women police. I was hit by a man. The Prime Minister, of course, has refused to meet us. Our demands still stand. Our demands were categorical and simple. We had said that the murderers of Comrade Chandrasekhar should be immediately arrested. All those people who are responsible for shooting, for beating up, assaulting students at Bihar Nivas on 31st night, they should be punished immediately, and that Lalu Yadav should take moral responsibility and resign from his office. Down, 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 down. सिवान से कोई 2 किलोमीटर दूर चंद्रशेखर के गांव बिंदुसार में अब रह गई हैं उनकी अकेली माँ। शेल्फ पर रखी चंदू की किताबें, दीवार पर लगा उनका प्रिय पोस्टर पीस, और रह गई हैं माँ की सहेजी संभाली कुछ यादें, चंदू की लिखी चिट्ठियां। 15 अप्रैल 1983 में पटना से अपनी माँ के नाम भेजे एक पत्र में चंदू ने लिखा था, शायद तुम भी किसी दिन गोरकी के उपन्यास माँ की कैरेक्टर बनो और मैं तुम्हारा बेटा उसका नायक, जो कभी भी सड़ी हुई व्यवस्था से समझौता नहीं करता। लाल सलाम, तुम्हारा बेटा चंद्रशेखर। आज की एक पूरी पीढ़ी ने चंदू की माँ को गोरकी की माँ में बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। Thank you.
और देखा है माँ के दुख के सागर को प्रतिशोध की ज्वाला में बदलते हुए। इस लड़ाई को जारी रखना है। आप लोग तो जानते ही हैं कि सिवान में मेरे चंद्रशेखर 31 मार्च को जो बिहार बंद करने के लिए वो निकले थे भाषण देने देते हुए जेपी चौक के पास गए। मेरा चंद्रशेखर मेरा प्यारा बेटा और मेरे तमाम प्यारे बेटे हैं, वो सारे हमारे तमाम दिल बेटे हैं। अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने माँ हर मोर्चे पर हर समय मौजूद थी, दिल्ली में, पटना में, सिवान में। तो बेटा आप लोगों से कहूं इस लड़ाई को जारी रखना है और यही तो फांसी की सजा हो और आम जनता के बीच में उसको हटा दो उसको गोली आम जनता के बीच में हो कि उसको गोली क्या डाल मैं कभी मान रहा हूं। आप स्वागत करिए माता कौशल्या देवी का। नौजवान दोस्तों अब मैं आपके सामने मैं श्री कौशल्या देवी बोली मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मेरा ये जवान कोई नहीं बंद कर सकता है। ओ सहाबुद्दीन के गुंडे, ए लालू के गुंडे, आओ मुझे मारो, मुझे डर नहीं है, मुझे बहुत से खेलना है, मुझे कोई गम नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा मृतक के परिवार को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु भेजे 1,00,000 रुपए के चेक को लौटाते हुए मां ने लिखा, इस एवज में मैं कोई भी राशि लेना अपमान समझती हूं। मुझे ये जानकर और भी दुख हुआ कि इसकी सिफारिश आपके गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त ने की थी। वे उस पार्टी के महासचिव रह चुके हैं जहाँ से मेरे बेटे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इस पत्र के माध्यम से मैं आपके साथ साथ उन पर भी लानतें भेज रही हूँ जिन्होंने मेरी भावनाओं के साथ ये घिनौना मजाक किया और मेरे बेटे की जान की ऐसी कीमत लगाई। एक ऐसी माँ के लिए जिसका इतना बड़ा और इकलौता बेटा मार दिया गया हो और जो ये भी जानती हो कि उसका कातिल कौन है, एकमात्र काम जो हो सकता है वो ये है कि कातिल को सजा मिले। मेरा मन तभी शांत होगा महोदय, उसके पहले कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मेरी एक ही जरूरत है, एक ही मांग है, अपने दुलारे शहाबुद्दीन को किले से बाहर करो, या तो उसे फांसी दो या फिर जनता को ये हक दो कि वो उसे गोली से उड़ा दे। और चंद्रशेखर की हत्या के लगभग एक महीना गुजर जाने के बाद तक सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे ये विश्वास मिले कि चंद्रशेखर की बूढ़ी माँ को न्याय मिलेगा। 29 अप्रैल को चंद्रशेखर को न्याय दिलाने आईसा और RYA के नेतृत्व में देश भर से आए हजारों छात्र छात्राएं दिल्ली की सड़कों पर उतर पड़े हुए। संसद मार्च में आए इन छात्र नौजवानों ने एक स्वर में देश की सरकार को चुनौती दी। सरकार ने चुनौती स्वीकार करते हुए हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स और बैरिकेड्स खड़े कर जुलूस को संसद मार्ग थाने से आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन ये दिल्ली में आए दिन होता कोई सांकेतिक प्रदर्शन नहीं था। इसका एहसास सरकार को तब हुआ जब हजारों छात्रों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया और पुलिस के 2 घेरे तोड़कर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बिजली की गति से लपके।
वाटर कैनन, आंसू गैस और बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज के साथ पुलिस छात्र छात्राओं पर टूट पड़ी। प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बातचीत के लिए छात्रों के एक डेलीगेशन को बुलाया। छात्रों की मांग थी कि सांसद शहाबुद्दीन की संसद सदस्यता खारिज की जाए और 31 मार्च को जेएनयू के छात्रों पर गोली चलाने वाले साधु यादव को गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री श्री गुजराल ने छात्रों की इन मांगों को अनप्रैक्टिकल बताया। इस साल बारिश के मौसम में सिर्फ जेएनयू में नया सेमेस्टर ही शुरू नहीं हुआ बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ। मुंबई में पुलिस की गोली से 12 दलित आंदोलनकारी मारे गए। सिवान से जनता दल के सांसद शहाबुद्दीन की जमानत मंजूर हुई, वो जेल से रिहा हुए। गिरफ्तार होने के बाद उन पर कुछ ट्रायल चलना शुरू हुआ और ट्रायल उन्होंने चलवाया, जल्दी जल्दी केस खुलवा के ट्रायल शुरू किया, क्योंकि उस इलाके के लोग गवाही देने उनके खिलाफ नहीं आते हैं, जो आते हैं वो उनका नाम नहीं लेते। इस तरह से वो दो केस में, जिसमें कि फौजदारी मुकदमा चल रहा था, सेशन ट्रायल चल रहा था हत्या के जुर्म में, तो दोनों केस में वो छूट गए, चूंकि गवाह उनके खिलाफ नाम नहीं ले रहा। इस प्रकार वो केसेस में छूटते गए। 302 के केस में बड़ी हो गए, बाकी केस में उनको बेल मिल चुका था, और जिस केस में कुछ केसेस में बेल नहीं मिला था उसमें भी बेल मिल गया, इसलिए वो छूट गए। सीपीआईएमएल माले के नेता रमेश सिंह कुशवाहा के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी। आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने को देश भर में जश्न शुरू हुए। बिहार निवास पर जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर गोली चलाने की घटना में साधु यादव की भूमिका की सीबीआई द्वारा जांच के आदेश। साल पहले सीआईए द्वारा खत्म करवा दिए गए महान कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और दक्षिण अमेरिकी जनता के प्यारे गुरिल्ला लीडर शे ग्वेरा के अस्थि अवशेषों को जनता ने बोलिविया के जंगलों से खोद निकाला। पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमारे जेएनयू में विभिन्न राज्यों से छात्र छात्राएं आते हैं पढ़ने, और वहां हम लोग जाएंगे, कम से कम मैं और हमारे जो मित्र हैं हम लोग तो जाना ही चाहेंगे। बिहार जाना चाहेंगे, बिहार के हैं, बिहार के बारे में सब लोग जानते ही हैं। एक सरकार थी, वो मैं पास्ट टेंस में ही कहूंगा क्योंकि मेरा अपना जाहिर सी बात है कि उस सरकार के प्रति मेरी आलोचना है। क्या हुआ है 5 साल में हम तमाम लोग जानते हैं, झेले भी हैं, कई सालों बाद घर गए थे, नई परिस्थिति देखने को मिली, निराशा भी थी लेकिन आशा भी थी, उसमें लग रहा था कि लोग धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि हमें एक सही तरीके से इंटरवीन करना चाहिए। उसमें अगर हम लोग जैसे लोग एक सक्रिय भूमिका अदा कर पाएंगे तो अच्छा लगेगा, संभवतः वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि गांव से गया हुआ अपना घर का लड़का फिर से वापस आ रहा है। आमतौर पर वहाँ मजाक में इस बार जाने पर लोगों ने कहा कि दिल्ली हाइट हो गए हो क्या, इतने सालों बाद याद आया कि वापस आना चाहिए घर, तो हमने कहा नहीं भाई चुनाव में आएंगे।